मांती और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। एक युवक का पैसों से भरा बैग गिर जाने पर क्लॉक टावर थाना पुलिस ने कुछ ही घंटे में ढूंढकर युवक के हवाले कर दिया। युवक ने स्वयं जानकारी देते हुए बताया कि उसका बैग रास्ते में कहीं गिर गया था जिसमें 65,000 रुपए थे। उसने इस संबंध में क्लॉक टावर थाने में शिकायत दी। पुलिस ने बैग खोने वाले स्थान पर पहुंचकर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक करने के बाद बैग ढूंढकर युवक के हवाले कर दिया। इस पर युवक ने पुलिस का आभार प्रकट किया। एक युवक का पैसों से भरा बैग गिर जाने पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उसका बैग ढूंढकर युवक को वापस लौटाया गया। इस पर विनोद गुरुनानी ने जानकारी देते हुए बताया कि वह अपने घर से निकला था और भगवानगंज गौशाला के आसपास उसका बैग कहीं गिर गया। आगे जाने पर उसे पता लगा कि उसका बैग गिर गया है। उसने ढूंढने की भी कोशिश की लेकिन बैग नहीं मिला। इस पर विनोद कुमार ने क्लॉक टावर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास के सीसीटीवी कैमरे की मदद से बैग को प्राप्त कर युवक को सौंप दिया। इस पर युवक ने पुलिस का धन्यवाद जताते हुए उनका आभार प्रकट किया। मैं ड्यूटी पे था तो मेरे पास एक राहगीर आए विनोद नाम के, जिन्होंने रिपोर्ट दी कि मेरे दुकान घर से दुकान के लिए जा रहा था, जो अजमेर चौराहे पे ठेला लगाते हैं, व्यापारी है। उसमें मेरे स्कूटर के आगे बैग रखा था, थैला रखा था, उसके अंदर पैसे थे 60-65 हज़ार के लगभग और कुछ ज़रूरत का सामान था। वो राजेंद्र स्कूल चौराहे से और आशागंज के बीच में कहीं गिर गया। इस पर हमने हमारे थाने के और मैंने हमारे थाने के कांस्टेबल श्री राम खिलाड़ी जी जो सिग्मा में है, सिग्मा कांस्टेबल राइडर के साथ में उनको तलाश के लिए भेजा। तो कांस्टेबल ने मेहनत करके कम से कम 30-35 सीसीटीवी कैमरे फुटेज को चेक किया। चेक करने के बाद में एक राजगीर को मिला। वो राजगीर भी बेचारा मालिक को ढूंढ रहा था। उसके पास पहुंचने के बाद में फिर उससे पैसे लेकर के जो विनोद कुमार जी थे उनको वापस आज दिलवाया। मैं घर से सुबह निकल रहा था 7:30 बजे करीब। मेरा गौशाला भगवानगंज के इधर मेरा बैग गिर गया था। फिर गिरने के बाद मुझे 10 मिनट के बाद मेरे को मालूम कि मेरा बैग गिर गया। मैं वहाँ पर ढूंढा ढांडी करी, मेरे को कोई सफलता हासिल नहीं हुई। फिर मैं कलेक्टर थाने पे आया, उनसे रिपोर्ट कराई, इन्होंने थाने पे राजेंद्र जी ने, शर्मा जी ने और राम खिलाड़ी ने कसी मेहनत के बाद इन्होंने मेरे को बैग दिलाया। गिरावतान ढूंढा ढांडी करके मेरे को मेरे राशि गलत मेरा सामान मुझे प्राप्त कर दो। मेरा करीब करीब 7:30 बजे करीब, उसमें से कैश था और प्लस राजगढ़ से श्री मसाना भैरव धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज को कुछ दिनों पूर्व धमकी भरा पत्र मिलने पर श्रद्धालुओं में भारी रोष और आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज बाबा रामदेव मंदिर सेवा समिति और सर्व समाज कंजर बस्ती रामगंज के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर महाराष्ट्र की विशेष सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई। राजगढ़ स्थित श्री मसाणिया भैरव धाम पर आगामी 25 दिसंबर 2023 को सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की 21वीं वर्षगांठ राजगढ़ धाम पर बड़ी धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। 21वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने तथा कानून व शांति व्यवस्थाओं को लेकर चंपालाल महाराज मुख्य उपासक भैरवधाम राजगढ़ के सानिध्य व अंशुल आमेरिया उपखंड अधिकारी ने नसीराबाद की अध्यक्षता में प्रशासनिक बैठक हुई जिसमें संबंधित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में धाम के व्यवस्थापक ओम प्रकाश सेन के द्वारा संबंधित कार्यों को लेकर मांग पत्र उपखंड अधिकारी नसीराबाद को दिया गया। उपखंड अधिकारी नसीराबाद ने बैठक में संबंधित विभागों को मेले से जुड़े सभी आवश्यक कार्यों को वर्षगांठ से पूर्ण पालना करने हेतु निर्देश दिए गए। बैठक में विशेष रूप से PWD पुलिस व चिकित्सा व्यवस्था को लेकर काफी चर्चा की गई। पुलिस व यातायात व्यवस्था के माकूल इंतजाम के साथ वाहनों का एक तरफा यातायात व्यवस्था पर जोर दिया गया जिससे भीड़ की अधिकता होने से जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। उपखंड अधिकारी ने तहसीलदार नसीराबाद को मेला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि बैठक में अंशुल आमेरिया उपखंड अधिकारी नसीराबाद, विजय सांकला व्रताधिकारी नसीराबाद, नंदकिशोर कुमावत अतिरिक्त विकास अधिकारी श्रीनगर, महेश शशमा तहसीलदार नसीराबाद, रोशनलाल थानाधिकारी नसीराबाद सदर, विजयराज सहायक उपनिरीक्षक CID जॉन यूनिट नसीराबाद, विपुल सैनी कनिष्ठ अभियंता सराधना, भवानीलाल मीणा सहायक अभियंता PhD, विक्रम कुमार सहायक अभियंता PWD, अब्दुल रज्जाक पटवारी राजगढ़, भवानी शंकर ग्राम विकास अधिकारी राजगढ़, रमेश सेन, राहुल सेन, अविनाश सेन, शंकरनाथ, राम सिंह सेन, पदमचंद जैन, प्रकाश राका, मान सिंह सरपंच नांदला, कैलाश सेन, हीरालाल सेन, श्रवण सेन, पार्षद भागचंद सेन, रामपाल सेन, मदल सेन। पालिका प्रशासन पुष्कर की ओर से आज एक रैली निकालकर लोगों को स्वच्छ व सुंदर पुष्कर के लिए जागरूक किया गया।
रैली को कपालेश्वर तिराहे पर पालिका अध्यक्ष शिवस्वरूप महर्षि और अधिशासी अधिकारी बनवारीलाल मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुष्कर पालिका प्रशासन की ओर से आज एक रैली निकालकर लोगों को स्वच्छ और सुंदर पुष्कर के लिए जागरूक किया गया। रैली को कपालेश्वर तिराहे पर पालिका अध्यक्ष शिवस्वरूप महर्षि और अधिशासी अधिकारी बनवारीलाल मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में पालिका के पार्षद, अधिकारी, कर्मचारी, ड्राइवर अपने स्वच्छता वाहन के साथ शामिल हुए। रैली मुख्य बाजारों से होती हुई रामधाम तिराहे पर समाप्त हुई। पालिका अध्यक्ष शिवस्वरूप महर्षि ने बताया कि पुष्कर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए लोगों का सहयोग जरूरी है, इसलिए इस रैली के माध्यम से लोगों को स्वच्छता अभियान से जुड़ने के लिए जागरूक किया गया। आज नगर पालिका द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसके अंदर हमारे नए ठेकेदार ने जो आज से ही कारोबार ग्रहण किया है, उसने रैली निकाल करके सभी पुष्कर वासियों को आग्रह किया है कि आप अपना कचरा पॉलीथीन थैली के अंदर नहीं डालें और अलग अलग सूखा कचरा अलग डालें और गीला कचरा अलग डालें। पॉलीथीन मुक्त भारत बनाना अपन को, और पॉलीथीन यूज नहीं करें जहाँ तक हुए कपड़े की थैली के अंदर सामान परचेज करें। यही हमने स्वच्छता अभियान के तहत आज हमारे ठेकेदार ने रैली निकाल करके सभी को आग्रह किया है कि आप लोग पुष्कर की जनता चाहेगी तो पुष्कर स्वच्छ और पवित्र रहेगा। इसलिए निवेदन है मेरा भी कि सभी अपना कचरा सड़कों पर नहीं डाले, नियत जगह पर ही डाले। आज नगर पालिका पुष्कर क्षेत्र में घर कचरा संग्रहण के लिए हमने नवीनतम IoT टेक्नोलॉजी से कचरा संग्रहण की एक प्रक्रिया प्रारंभ की है, और जिसके लिए इसकी शुरुआत को हमने ऐसा रूप दिया है कि ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित करें और लोग जागरूक हों, और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक दुकानदार, प्रत्येक घर से लोग कचरा नगर पालिका के कचरा वाहन में ही डालें। हमने एक ऐसी पद्धति को अपनाया है जिससे 100% घरों से, 100% कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से 100% कचरा जो है वो संग्रहण हम नगर पालिका के वाहनों के द्वारा करेंगे, ताकि नगर पालिका में खुले स्थानों पर कहीं पर भी कोई कचरा ना। मैं ये उड़ान इंडिया फाउंडेशन से प्रोजेक्ट हेड हूँ। आज जो नगर पालिका पुष्कर और सहयोगी संस्था UIF द्वारा कपालेश्वर से लेकर आज रामधाम तक अपनी सारी डोर टू डोर वाहन और सभी ड्राइवर हेल्पर और नगर पालिका के सभी अधिकारी कर्मचारियों द्वारा ये एक जागरूकता रैली निकाली गई है। इसका उद्देश्य ये है कि अपन जो है कि पुष्कर शहर को स्वच्छ और सुंदर किस तरह बनाया जा सकता है, उसके लिए लोगों को जागरूक किया गया है। इस रैली को जो हरी झंडी दी है माननीय हमारे नगर पालिका के EO साहब मीणा जी और नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा हरी झंडी देकर इसकी विदाई की गई है, और ये बहुत ही उत्साहपूर्वक सभी ड्राइवर हेल्परों में और सभी कर्मचारियों में उत्साह के साथ ये रैली निकली है, और ये हमें उम्मीद है कि पुष्कर शहर से हमें पूरा सहयोग मिलेगा और उसी सहयोग से हम पुष्कर को स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, और ये विश्वास है कि हम बहुत ही जल्दी इसको पूरा कर पाएंगे। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में छात्रों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, साथ ही प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने जानकारी देते हुए बताया अनेक समस्याओं के चलते छात्र लगातार परेशान हैं, जिसके लिए आज प्रदर्शन किया गया। छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में छात्रों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, साथ ही प्राचार्य को ज्ञापन भी सौंपे गए। छात्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी छात्र को अगर हस्ताक्षर करने होते हैं तो उसका उसे ₹50 शुल्क देना होता है। इसके अलावा पानी की टंकी में पानी नहीं है और गंदा पानी भी आने की समस्या है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय का बोर्ड मुख्य द्वार पर लगा हुआ है, जिसमें अजमेर का ए भी नहीं लिखा हुआ है। इसके संबंध में कई बार अवगत कराया गया, लेकिन कॉलेज प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने बताया कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखिए, हमारी मांग ये है कि भाई पहले तो हम पिछले साल जब हुआ था, जब आप प्राइवेट के फॉर्म ले रहे थे, रसीद कट रही ₹60 की। अभी एकदम से एक साल के अंदर 210 की रसीद कैसे काटने लग गए? 210 की रसीद जब कटती है तब आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है BA में। अब हर चीज़ के चाहे 100 या कोई भी हो, 210 की कट रही रसीद। दूसरी मांग हमारी ये है कि फ्रेशर पार्टी का आयोजन कराया जाता है हर साल। इस बार सेमेस्टर में हुआ है कि दो बार एग्जाम होंगे। पहला एग्जाम जनवरी या फरवरी के आसपास होगा, दूसरा होगा मार्च अप्रैल के आसपास। तो उससे पहले फ्रेशर पार्टी कराई जाए ताकि बच्चों को पढ़ने का मौका मिले। फिर बीच में अगर फ्रेशर पार्टी लाओगे आप तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे? और तीसरी मांग हमारी ये है कि कोई भी बच्चा अगर साइन कराता है किसी चीज़ का किसी में, तो ₹50 शुल्क लिए जाते हैं। वो शुल्क बंद किया जाए बिल्कुल ही। और हमने इतनी बार ज्ञापन दिया है, हमारे यहाँ GCA कॉलेज में अजमेर ये हटा हुआ है, यह अभी तक ठीक नहीं हुआ। अंदर वाला GCA लिखा हुआ अभी तक ठीक नहीं हुआ।
प्रिंसिपल सर को बने हुए कम से कम 4 महीने हो गए, कम से कम उन्होंने अभी तक कार्य करा नहीं। कुछ ऐसे टंकियां पानी की वहाँ पे अभी तक पानी नहीं आया, किसमें खराब पानी आ रहा, खारा पानी आ रहा, या बाहर नल लगे हुए, इतनी बार बोला उन्होंने नल भी नहीं लगाया यहाँ पे, ना कैंटीन की सुविधा, बच्चा हर बार बाहर जा रहा है खाने के लिए, कुछ भी कैंटीन की सुविधा भी बिल्कुल नहीं है, बंद पड़ा सब कुछ, लेक्चरार बच्चों को इधर से उधर इधर से, तो काम जब एक जगह हो रहा है तो एक जगह गाइड किया जाए, अगर मांगे पूरी नहीं होती ये तो कुछ ही नहीं है। अभी इससे भी बड़ा धरना प्रदर्शन होगा, रोड भी जाम हो सकता है, हो सकता है अजमेर के हर स्टूडेंट हमारा साथ देगा, और हमें पता है सबसे बड़ा महाविद्यालय राजस्थान का, उत्तर विधान का, और इसमें अगर कार्य नहीं हो। रामगंज रोड स्थित एक ढाबे की रसोई में अचानक आग लग गई, जिसके कारण आसपास के दुकानदारों क्षेत्रवासियों में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है, पुलिस मामले की जाँच कर रही है। रामगंज रोड पर स्थित एक ढाबे में अचानक आग लग गई, जिसके कारण आसपास के दुकानदार और क्षेत्रवासियों में अफरा तफरी मच गई। आग लगने पर फायर ब्रिगेड की टीम को सूचित किया गया, टीम ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि ढाबे की रसोई में अचानक आग लगी थी, फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। पंजाबी तड़का ढाबा है रामगंज बाजार में, उसकी किचन में आग लगने की सूचना मिली थी, मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ आ गई है और बिल्कुल शांति व्यवस्था है, आग पर काबू पा लिया है, किसी प्रकार की जनहानि नहीं। पंजाबी तड़का ढाबा कारण अभी पता करेंगे, अभी जांच किचन में आ गई, नहीं जनानी नहीं है, बाकी जो नुकसान है जो अभी उसका पता करेंगे। चिमनी में आग लगी है सर, रामगंज में दुकान है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का 812वें उर्स पर संदल के रस्म 11 जनवरी को होगी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर साल भर तक संदल चढ़ाया जाता है। संदल को 11 जनवरी को रात 9 बजे उतारा जाएगा। यह संदल ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में आने वाले जायरीनों को तबर्रुक के तौर पर बांटा जाएगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का 812वां उर्स पर संदल की रस्म 11 जनवरी को होगी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर साल भर तक संदल चढ़ाया जाता है। इस संदल को 11 जनवरी को रात 9 बजे उतारा जाएगा। यह संदल ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में आने वाले जायरीनों को तबर्रुक के तौर पर बांटा जाएगा। प्रत्येक वर्ष इसको लेने के लिए हजारों की संख्या में जायरीनों की भीड़ लग जाती है। ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में साल भर का जो सालाना संदल है वो 11 जनवरी को उतारा जाएगा और तमाम यहाँ पर जो जायरीन मौजूद रहेंगे उन सबको तकसीम किया जाएगा। ये सालाना संदल जो साल भर में ख्वाजा साहब की बारगाह में पेश होता है, ये साल में जब उतारा जाता है तो तमाम जायरीनों की यहाँ पर एक भीड़ होती है, उमड़ होती है उसको पाने के लिए, तो सभी खुदामे ख्वाजा उस संदल को अपने जो मेहमान आने वाले जायरीन हैं उनको तकसीम करते हैं, वो पानी में डाल करके इसको पीते हैं और अपने घरों में लेकर के जाते हैं। ये बड़ी से बड़ी बीमारी में इसमें शिफा मिलती है, राहत मिलती है। गरीब नवाज का नाम लेकर के जब जायरीन पानी में डाल करके पीता है तो बड़ी से बड़ी बीमारी में उनको आराम मिलता है, राहत मिलती है। ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में आने वाले सभी जायरीन गरीब नवाज की बारगाह में अपनी अपनी अकीदत से आते हैं और सभी खुदामे ख्वाजा उन सबके लिए दुआएं करते हैं। पुष्कर की ओर से अम्बेडकर तिराहे पर स्थित खंडित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के स्थान पर उनकी नई अष्टधातु की प्रतिमा लगाने और अम्बेडकर उद्यान के पुनरुत्थान का काम शुरू हो चुका है। आज पालिका अध्यक्ष शिवस्वरूप महर्षि ने अपनी टीम के साथ जाकर निर्माण कार्यों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुष्कर नगर पालिका की ओर से अम्बेडकर तिराहे पर स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के स्थान पर उनकी नई अष्टधातु की प्रतिमा लगाने और अम्बेडकर उद्यान के पुनरुद्धार का काम शुरू हो चुका है। आज पालिका अध्यक्ष शिवस्वरूप महर्षि ने अपनी टीम के साथ जाकर निर्माण कार्यों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। पालिका अध्यक्ष महर्षि ने बताया कि पालिका की ओर से 10 लाख की लागत से बाबा साहब की नई अष्टधातु की प्रतिमा और 10 लाख की लागत से उद्यान के पुनरुद्धार का काम जारी है। उन्होंने बताया कि हमारे घर में जब कोई निर्माण कार्य चलता है तो हम खड़े रहकर गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए यह काम नगर पालिका करवा रही है, इसलिए उन्होंने मुखिया होने के नाते पार्षदों के साथ मौके पर जाकर निरीक्षण किया। अम्बेडकर सर्किल का काफ़ी दिनों से लोगों की मांग थी कि यहाँ पे मूर्ति अम्बेडकर जी बाबा जी की मूर्ति खंडित है, इसको नहीं करी जाए, तो नगर पालिका बोर्ड ने प्रथम प्रस्ताव पास कर करके 20 लाख रुपए इसके लिए मंजूर किए, जिसमें 10 लाख रुपए अष्टधातु की नवनिर्मित मूर्ति बनेगी और 10 लाख रुपए के अंदर यहाँ का पुनरुद्वार निर्माण होगा, अच्छा निर्माण होगा, लोगों को ऐतिहासिक जगह दिखेगी ये अंबेडकर सर्किल भी, जिसका काम चालू हो गया, जिसका आज हमने निरीक्षण करने के पूरे टीम के साथ आए हैं, क्योंकि हम घरों पे भी काम चलाते हैं तो उसका निरीक्षण हम 24 घंटे वहाँ पे बैठ के करते हैं। ये नगरपालिका बोर्ड काम चला रहा है तो नगरपालिका के सभी पार्षदों का सबका कर्तव्य बनता है कि यहाँ पे बैठ करके यहाँ पे इन काम को देखे, सुचारू रूप से ये कार्य हो, सभी पार्षदों के राय के अनुसार कार्य हो। सोमलपुर स्थित
स्थित दीप दर्शन कॉलोनी में एक बुजुर्ग महिला के मकान में पुत्रवधु द्वारा एक व्यक्ति के साथ जबरन मकान में घुसकर गैस चूल्हा और अन्य सामान उठाकर ले जाने का मामला सामने आया। इस महिला ने हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ रामगंज थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। रामगंज थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोमलपुर स्थित दीप दर्शन कॉलोनी में एक बुजुर्ग महिला के मकान पर कब्जा करने और जबरन परेशान करने के मामले में महिला द्वारा रामगंज थाने में अपनी पुत्रवधु और सिकंदर नामक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला की पुत्रवधु घर में घुसकर जबरन सामान उठाकर ले गई और इस दौरान सिकंदर नाम का व्यक्ति छत से जबरन घर में प्रवेश कर गया और उसने भी महिला को धमकाया। इस मौके पर अनेक हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता भी थाने पर उपस्थित हो गए। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों द्वारा जबरन महिला को परेशान किया जा रहा है, जबकि बुजुर्ग महिला का स्वयं का मकान है। उसके बाद भी दीप दर्शन कॉलोनी में कुछ लोगों द्वारा वहां रह रहे गरीब लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। इस संबंध में रामगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज दिनांक 19/12/23 को परिवादिया विमला देवी ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि मैं दीप दर्शन कॉलोनी गली नंबर 15 में निवास करती हूं अपने परिवार सहित। मेरी पुत्रवधु जो नंदनी नाम है वह मेरे पुत्र से 2 वर्ष से अलग रह रही है। उसने मुझे धोखे और विश्वास में लेकर के मेरी जो संपत्ति थी 53 गज का एक प्लॉट उसकी गिफ्ट डीड करवा ली, जो कि मैंने वापस निरस्त करवा दी मेरी जानकारी में आने पर। कल दिनांक 18/12/2023 को शाम को 6 बजे मेरी पुत्रवधु नंदनी व नंदनी जिसके मकान में किराए से रहती है सिकंदर व सिकंदर की पत्नी व 2 अन्य आदमी जिनको मैं सकल से पहचानती हूँ वे मेरे घर में मेरी बिना अनुमति के छत से कूद करके प्रवेश किया उन्होंने और मेरे घर में रखा मेरा घरेलू सामान गैस चूल्हा बिस्तर वगैरह ये लेकर के नंदनी वहाँ से चली गई। जिस संबंध में थाना जाकर परिवाद दिया गया है, परिवाद की जांच की जा रही है। सर ये 2 महीने से मारपीट कर रहे हैं दोनों माँ बेटों को। बच्चा यहाँ पे आता है तो उसकी कोई कार्रवाई नहीं होती, उसको डांट के भगा दिया जाता है, जाके फिर वापस वो उसको मारपीट करती है, धमकियाँ देती है और अनाप शनाप गालियाँ बोलती है। फिर बाद में बच्चे को इतना बुरा मारा, बच्चा रात भर टेम्पू स्टैंड पे बोरी ओढ़ के सोया रहा। फिर उसको बच्चे को तो मैंने निम्बाड़ा बुला लिया, वो मेरे पास निम्बाड़ा रहा 2 महीने तक, जब तक आचार संहिता लग चुकी थी। उसने ज़बरदस्त 10 जनों ने मिल के इस बच्चे को मारा और उस बीच बचाव में उसकी उन्हीं के हाथों से उस लड़की के लग गई और नाम आकाश का ले लिया ज़बरदस्ती। उसके बाद में इन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया। फिर मैं आई थी यहाँ पे तो मेरे को डांट के भगा दी उसने, नंदनी ने ताला तोड़ के उसी टाइम इनको सामान बाहर फेंकने लग गई। ये आकाश की पत्नी है तो उसी टाइम उसने सामान ताला तोड़ के हमारा ताला लगा हुआ सामान और सामान चोरी करके ले गई। उसमें जीजी की ज्वेलरियाँ थी और उस बच्चे के 24,000 लाया था उसमें से उसने 4 तो खर्च कर दिया, 18,000 रुपये पड़े थे। छोटी मोटी चीज़ें थी जीजी की वो ले गई, LCD ले गई एक, ऐसे ले गई थी। फिर मैंने यह मुकदमा कराया तो बोलते हैं हम क्या चौकीदार बन के बैठ जाएँ क्या, हाँ अभी यहाँ पे नहीं है वो। तो सर मैंने कहा आप ये रिपोर्ट तो दर्ज करो ताकि आप उसको ये तो बोल सकते हो कि आप ताला मत तोड़ना। मैं ये करके चली गई। उसके दूसरे दिन उसी दिन उसने ना वापस ताला तोड़ा और फिर वापस LED फ्रीज ये 4-5 सामान फिर लेके चली गई और उसका खुद का ताला लगा के चली गई। फिर हम वापस आए सुरेंद्र जी के पास में, वापस रिपोर्ट लिखवाई तो हमारे को धमकी दी गई है। किसने दी धमकी? सिकंदर ने दी और एक पिंटू बना नाम का आदमी है, वो फ़ोन पे बार बार में धमकी दे रहा था कि ये मकान मैंने खरीद लिया, या तो आप खाली करो या फिर जो नहीं है मैं इसका ताला तोड़ के घुस रहा हूँ। पिंटू बनाने तो इतना सका। सिकंदर ने, सिकंदर मेरी बहन को बोलता है कि तेरे पहले तो मैंने ऐसे हिंदुओं को तो है ना केयों को निपटा दिए और अब और मैं ना इसको तो काट करके और इसकी भाजी बढ़ा के मैं ही खा जाऊँगा और दूसरे बेटे का और बचाव कर लेना, ऐसे करके सिकंदर धमकियाँ दे रहा था। मैंने सिकंदर की औरत को कहा, मैंने कहा ये धमकियाँ मत दो, तो मेरे को बोलती है कि आपके 13 रिमांड है, निम्बाड़ा से आती है आपके 13 रिमांड है, ऐसे करके मेरे को ये सब बातें सर के सामने कही थी उसने, पुलिस के सामने कही थी कि आपके है ना इसका रिमांड लेना पड़ेगा अपने को बोले। और नंदनी भी इतनी अनसन बोल रही है, इतनी गंदी गालियां बोल रही है कि इसको वो 2 साल से सिकंदर नंदनी को रख रहा है, उसके क्या मालूम लव मैटर है या क्या है कुछ है, और वो पैसे का लालच भी हो गया मकान का इसलिए वो 2 साल से रख रहा है उसको। वो आकाश को धमकी देता था कि ये तेरी लुगाई को तो मैं रख के बताऊंगा, तो तेरे में ताकत है जो कर ले। मोबाइल में उसने रिकॉर्डिंग करी और यहाँ थाने में आके उसने रिकॉर्डिंग सुनाई भी थी। तो उसके बावजूद नंदनी ने पता नहीं क्या रिपोर्ट करके वापस इस आकाश को यहाँ का यहाँ ही बंद कर लिया।
फिर इसने एक वकील को बुला करके जमानत दे करके छूट के गया। देखिए ऐसा है, ये जो मामला है ये मामला सोमलपुर के निकट स्थित दीप दर्शन कॉलोनी का है जो कि पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में आती है। और ये चूंकि क्या है कि रामगंज थाना दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ पर एक षड्यंत्र पूर्वक सुनियोजित तरीके से भू माफियाओं द्वारा जो कि एक विशेष मतलब धर्म के हैं उन लोगों द्वारा जो गरीब दलित वर्ग के लोग वहाँ रेगर समाज के निवास करते हैं दीप दर्शन कॉलोनी में उनको वहाँ से घरों से बेदखल किया जा रहा है। ऐसे पहले भी कई प्रकरण आए हैं, चाहे पोक्सो के मामले आए हों इस क्षेत्र में, चाहे लव देहात के मामले आए हों। ये जो प्रकरण आज बिमला देवी जी का है इसके अंदर पूर्व में भी 13 तारीख को बिमला देवी जी के द्वारा रिपोर्ट दी गई थी कि उनसे जबरन साइन वाइन कराकर उनको मकान वकान खानी करने के लिए एक विशेष वर्ग के लोगों द्वारा धमकाया जा रहा है, भूमाफियाओं द्वारा धमकाया जा रहा है, लेकिन थाने द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की। जो वो कोई कार्रवाई नहीं की गई उसकी यह रहा कि उससे उन अपराधियों को श्रेय मिला, उन भूमाफियाओं को श्रेय मिला। और कल रात को उन्होंने उस बुजुर्ग बिमला देवी को जिसको कि हार्ट अटैक आया हुआ है, जिसको कि लकवा मारा हुआ है, उस महिलाओं को पकड़कर घर से बाहर निकाला गया। उसके पूरे सामान को, चाहे उसमें गैस का चूल्हा हो, टीवी हो, उसके बिस्तर हो, सबको एक टेम्पो में भरकर रवाना कर दिया गया। और फिर उस महिला की बहन जो कि निम्बाड़ा में रहती है उनको सूचना मिलती है और वो यहाँ पर सूचना देती है थाने पे और फिर यहाँ से जीप जाती है। यानी कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की शीतलता रही और उस शीतलता के कारण ही जब यह प्रकरण हमारे संज्ञान में आया तो हमारे सर्व हिंदू समाज के क्षेत्र के लोग हम तो इकट्ठे हुए और हम लोगों ने आज यहाँ FIR दर्ज करने के लिए थानाधिकारी जी से मिलकर दबाव बनाया है कि इस प्रकरणों में कार्रवाई त्वरित हो ताकि क्या है न्याय मिल सके। अगर कार्रवाई ये 13 तारीख को हो जाती तो मेरे हिसाब से कल की जो रात की घटना है उसकी पुनरावृत्ति नहीं करते अपराधी। तो आज अभी इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम पूरी कार्रवाई करेंगे। यह है विषय, ये विमला देवी का एक मामला है जो दीप दर्शन कॉलोनी ग्राम सोमलपुर में रहती हैं। उनकी पुत्र वधु छोटे बेटे की जो वाइफ हैं आकाश की, उनका किसी व्यक्ति से संपर्क है। इन्होंने जानकारी दी है कि जिहाद के तहत उस लड़के को समाचार बुलेटिन समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़।